बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टू साइडेड बर्थडे कार्ड। सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, टू साइडेड बर्थडे कार्ड बनाने के लिए आप सबसे पहले पेज को लैंडस्केप में करेंगे। ये प्रॉपर्टी बार से लैंडस्केप क्लिक करेंगे। देन आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें और पेज के साइज का रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आप यू विल अप्लाई इंक्रीज विथ, सॉरी इंक्रीज विथ कर देंगे इसकी, यानी कि आउटलाइन विथ आपने इसकी बढ़ा दी। फर्स्टली यू विल सेलेक्ट थ्रू एरो टूल, इसको एरो टूल से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसकी आउटलाइन बढ़ा देंगे हम। अच्छा, एज यू विश यू कैन अप्लाई ग्रेडियंट कलर एज अ बैकग्राउंड, पैटर्न एज अ बैकग्राउंड एंड पिक्चर एज अ बैकग्राउंड। इस पर आप कोई ग्रेडियंट कलर दे दें, फिल कलर दे दें, कुछ भी दे दें, कैसा भी आप बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं, या कोई पैटर्न बैकग्राउंड की जगह अप्लाई कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू अप्लाई पिक्चर एज अ बैकग्राउंड। एक पिक्चर अप्लाई कर रही हूँ मैं। फाइल में गई, इम्पोर्ट में गई, क्लिक किया और इम्पोर्ट क्लिक करने के बाद ये क्लिक किया आपने एक पिक्चर, और इसको आप क्लिक कर दिया। आप शिफ्ट और माउस की लेफ्ट क्लिक से इसको इसके साइज का बनाएंगे हम। शिफ्ट और माउस की लेफ्ट क्लिक से आप एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। इसकी हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन चेंज कर दें, मिरर हॉरिजॉन्टली कर दें। ठीक है, अब हमें इधर केक बनाना है। तो केक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्टली यू विल टेक एलिप्स टूल एंड देन ड्रॉ, अप्लाई फिल कलर, रेड कलर अप्लाई कर दिया। आपको पता है फिल कलर यहाँ से अप्लाई होता है, माउस की लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे। और लाइन कलर आप कोई सा भी दे दें, मैं नहीं दे रही हूँ लाइन कलर। आप राइट क्लिक करेंगे किसी कलर पर तो वो लाइन कलर अप्लाई होगा, और लेफ्ट क्लिक करेंगे किसी कलर पर तो वो फिल कलर अप्लाई होगा। अब पिक टूल से इसे सिलेक्ट किया, प्लस करके इसकी कॉपी की हमने, रोटेट किया और कंट्रोल डी रिपीट कमांड। अच्छा, पूरा सिलेक्ट किया इसको हमने। वेल्ट वेल्ट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल जेड से बैक जाती हूँ मैं, ये ऑप्शन आपको दिखाती हूँ। देखिए, ऑब्जेक्ट्स को मिलाने के लिए होता है वेल्ट, प्रॉपर्टी बार में से। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट्स को मिलाने के लिए होता है, वेल्ड किया हमने। और वेल्ड करने के बाद यू विल गो फाइल इंपोर्ट। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, इसमें फाइल में जाएंगे, देन यू विल क्लिक इंपोर्ट। सॉरी, फाइल में इंपोर्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ हम टूल अप्लाई करेंगे। शेडो टूल के अंदर है एक्सट्रूड टूल, ठीक है जी। एक्सट्रूड टूल अप्लाई करेंगे। एक्सट्रूड टूल अप्लाई करने के बाद आप प्रीसेट में जाएंगे, ये एक्सट्रूड बार ओपन हो जाएगी। इसमें आप जैसा भी आपको देना हो, मैं ये एक्सट्रूड बॉटम क्लिक कर रही हूँ। तो ये हमारा केक का शेप आ गया। इसके हम अगर ये सीज़र आ रही है, इससे हम इसकी विड्थ बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो पिक टूल लिया मैंने, सिलेक्ट रोटेट किया इसको। अच्छा, इसकी एक्सट्रूड रोटेशन यहाँ आ रही है, इससे भी आप इसकी रोटेशन में चेंजेस ला सकते हैं, ये देखिए। ठीक है जी,
अब हमने इसका साइज बड़ा किया, शिफ्ट के साथ करेंगे, एक्यूरेसी के साथ यू कैन इंक्रीज साइज एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इक्वल ऑल दी साइड, चारों साइड से इक्वल होगा। ठीक है जी, और अब यहाँ एक टूल आ रहा है, आर्टिस्टिक मीडिया टूल। ठीक है, इसमें बने बनाए शेप्स होते हैं, हमने आर्टिस्टिक मीडिया टूल लिया है यहाँ से। और आर्टिस्टिक मीडिया टूल लेने के बाद हम प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, देन यू विल क्लिक प्रीसेट। ठीक है, प्रीसेट क्लिक करेंगे, ये प्रीसेट क्रीम के अलग अलग स्टाइल आ रहे हैं, मैंने क्रीम पहले लेकर ड्रॉ की। ठीक है जी, और इसमें कलर अप्लाई कर दिया, वाइट कलर दिया और लाइन कलर रेड दिया, कंट्रोल जी ग्रुप, प्लस कॉपी ली, सेंटर पॉइंट यहाँ ले आया, एक बार रोटेट करके बताया हमने, कंट्रोल डी। ठीक है जी, तो हमने ये क्रीम इसकी लगा ली। अब एलिप्स टूल लेंगे यहाँ से और बनाएंगे, इसको भी प्लस करके कॉपी ली, सेंटर पॉइंट इसके यहाँ लेकर आए, केक के सेंटर में एक बार रोटेट करके बता दिया, और कंट्रोल डी रिपीट कमांड। ठीक है जी, आप चाहें तो इसमें यू कैन अप्लाई अनदर कलर, वन बाय वन यू विल सिलेक्ट एंड देन यू कैन अप्लाई अनदर कलर। ठीक है जी, सेलेक्ट कर लेंगे पूरा ग्रुप, कंट्रोल जी, प्लस करके इसकी कॉपी लेंगे, देन रिड्यूस कॉपी साइज, शो शिफ्ट एंड माउस लेफ्ट क्लिक, ठीक है जी, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल जी ग्रुप, इसको यहाँ लेकर आएंगे, शिफ्ट और माउस की लेफ्ट क्लिक से जो हमने केक बना रहे थे, शिफ्ट के साथ बहुत साइज छोटा हो गया, शिफ्ट के साथ बड़ा करते हैं इसको। ठीक है जी, ये आई हैव ब्रॉट वन पिक्चर, मैं एक पिक्चर ला चुकी हूँ, फोटोशॉप पे इसका बैकग्राउंड ख़त्म किया और इसे PNG फॉर्मेट में सेव कर दिया। अब ये मैंने यहाँ रखी और केक को क्लिक किया, और देन इसको फ्रंट लाना है तो शिफ्ट पेज अप कर दिया मैंने,
ठीक है जी, या ऑब्जेक्ट में जाकर अलाइन डिस्ट्रीब्यूट में भी आप सेंड टू बैक ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, ऑर्डर में, सॉरी ऑर्डर में, ऑब्जेक्ट मेन्यू में ऑर्डर में सेंड टू बैक ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है जी, ये देखिए शिफ्ट पेज डाउन टू बैक ऑफ लेयर टू फ्रंट ऑफ लेयर शिफ्ट पेज अप। ठीक है जी, अब मैं एक पाथ के गिर्द लिखना चाह रही हूँ। पाथ आपको पता है किसी रास्ते के गिर्द, किसी कर्व के गिर्द लिखना है आपको, किसी सर्कल के गिर्द, ओवल के गिर्द, या कोई भी रेक्टेंगल ओवल पॉलीगॉन के गिर्द लिखना है, तो आप सबसे पहले ड्रॉ करें जिसके गिर्द लिखना चाह रहे हैं या बनाएं। मैंने इलिप्स टूल लिया, लेकर ड्रॉ किया क्योंकि मुझे इसी के ही गिर्द लिखना है। ड्रॉ करने के बाद टेक्स्ट में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फिट टेक्स्ट टू पाथ। ठीक है, और अब हमने लिखा हैप्पी बर्थडे, ये जी सिलेक्ट करेंगे टैक्स को, कैन इंक्रीज साइज, कलर अप्लाई कर लेते हैं इसमें। और इस सर्कल सिलेक्ट करेंगे, और सर्कल सिलेक्ट करने के बाद इसका नन में जाएंगे, ऊपर ऑप्शन आ रहा है नन का, और इस पर राइट क्लिक करेंगे और सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, सर्कल पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक भी कर देंगे। ऑल राइट, आई हैव माइनस और रिमूव फिल कलर एंड लाइन कलर ऑफ सर्कल। सर्कल का हमने फिल कलर और लाइन कलर डिलीट कर दिया। ठीक है जी, ये टैक्स है, टैक्स पे आप एज यू विश कैसा भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, आउटलाइन वगैरह देखिए, हाँ आउटलाइन के ऑप्शंस आ रहे होते हैं। ठीक है जी, अब देखिए अगर मैंने क्या करना है, इस साइज बहुत बड़ा है, इसे थोड़ा छोटा करते हैं। देन अब आप देखिए यहाँ कुछ बने बनाए शेप्स आ रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ स्टार टूल आ रहा है, और भी शेप्स हैं आप इसमें देख सकते हैं। मैंने स्टार टूल लिया और बॉर्डर बना रही हूँ मैं, अब ज़रूरी नहीं है आप बॉर्डर बनाएं। मैंने यहाँ रेड कलर दे दिया, ठीक है जी, कॉपी ले ली इसकी। यू कैन टेक एनी शेप, कोई सा भी शेप ले सकते हैं, हार्ट भी ले सकते हैं, या स्टार ले लें, हार्ट ले लें, कुछ भी ले लें। मैंने यहाँ रेड कलर दिया हार्ट लेकर, और साइज छोटा करते हैं इसका, प्लस करके कॉपी ली और कंट्रोल डी रिपीट कमांड। ठीक है जी, अब चाहें तो इसको आप वहाँ भी बना सकते हैं। कंट्रोल जी प्लस करके कॉपी ली, इसकी यहाँ ले गया है। अच्छा देखिए, जो आमतौर पर टू साइडेड बर्थडे कार्ड होते हैं, उसका जो बैक पार्ट होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है, तो या वाइट होता है। आपने एक रेक्टेंगल लिया, इसके हाफ पार्ट पर रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और अब ये पार्ट हमें थोड़ा सा लाइट करना है, तो लाइट इफेक्ट देने के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम,
इफेक्ट में ऑप्शन आ रहा है हमारे पास लेंस। लेंस क्लिक किया और लेंस क्लिक करने के बाद हमने यहाँ ब्राइटन क्लिक कर दिया, इसकी एक विंडो ओपन हो जाएगी, यू विल क्लिक ब्राइटन। ठीक है, जब ये देखेंगे लाइट हो गई है, ये आप मज़ीद इसको अगर डार्क करना है तो कम पे अप्लाई करें, और जितना ऊपर अप्लाई करेंगे आप यहाँ से रेट उतना ये लाइट की तरफ जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसका पार्ट लाइट हो गया। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, दिस वॉज बर्थडे क्लास, बर्थडे कार्ड क्लास। यू कैन मेक एनी कार्ड सेम एज इट इज़ मेथड। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।